वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा निरंतर संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने के संबंध में संचालित अभियान के दृष्टिगत थाना सितारगंज पुलिस द्वारा दिनांक 2/8/2021 को SSI सुधाकर जोशी थाना सितारगंज मई पुलिस बल के संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों वस्तु के संबंध में थाना सितारगंज क्षेत्र में गश्त पर थे कि ग्राम अंजोनिया मंदिर के पास पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ असलाधारी बदमाश नलही के जंगलों में घूम रहे हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज प्रकाश सिंह दानू को अवगत कराया गया, जिसके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार SSI सुधाकर जोशी के कुशल नेतृत्व में थाना सितारगंज के अतिरिक्त पुलिस बल मंगवा कर प्रभारी निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार योजनाबद्ध तरीके से तीन टीमें गठित की गई। तीनों टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों से आकर असलाधारी बदमाशों को ग्राम नलही नदी के जंगल किनारे सरकारी ट्यूबवेल के पास घेर लिया गया। जैसे ही इन बदमाशों की नजर पुलिस टीम पर पड़ी तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ पुलिस टीम पर अपने असले निकाल कर फायर करने शुरू कर दिए। इसके उपरांत पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए दो बदमाश मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। बदमाशों से गुत्थम गुत्था के संघर्ष में कांस्टेबल संजय थाना सितारगंज के सिर पर बदमाशों द्वारा तमंचे की बट से हमला कर दिया गया, जो लहूलुहान होकर मौके पर ही अचेत व्यवस्था में गिर गए। कांस्टेबल संजय के सिर पर 5 टांके आए हैं। इसी गुत्थम गुत्था का लाभ पाकर तीन बदमाश भागने में सफल हो सके। वहीं पकड़े गए अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी ग्राम पसैनी थाना नानकमता जिला उधम सिंह नगर उम्र 21 के कब्जे से 12 बोर तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। दूसरा अभियुक्त लखवीर सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी टीला नंबर 4 थाना हजार जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गुणों की 3 मोटरसाइकिल, 1 अपाची, 2 हीरो स्पेंडर बरामद की गई। उपरोक्त समस्त घटनाक्रम के संबंध में SSI सुधाकर जोशी के द्वारा मौके पर बनाई गई फर बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्त गुणों के आधार पर थाना सितारगंज में कई धाराओं में शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गुणों को रिमांड कर लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही सितारगंज पुलिस फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।